अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटेसी गारमेंट्स। अगर आप वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक स्पोर्ट्स ब्रा की तरफ। आपको कुछ आइटम्स जो हैं स्क्रीन पर दिख रहे होंगे स्पोर्ट्स ब्रा से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स ब्रा। आज हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारी लेडीज़ जो वर्कआउट करती हैं, योगा करती हैं, जिम पर जाती हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स ब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले उनके माइंड में यही आता है जब भी वो चीज़ परचेज़ करने जाती हैं, सबसे पहले उनके माइंड में आता है कि कप साइज़, उसकी फिनिशिंग, उसका स्टाइल आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में सी थ्रू होना चाहिए कि आप क्या चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं और स्पोर्ट्स ब्रा के भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, जैसा कि दिस वन और इस किस्म की भी स्पोर्ट्स ब्रा होती हैं, पैडेड में भी होती हैं, नॉन पैडेड भी होती हैं। अगर आपने पैडेड वाली पहननी है लेनी है तो आप वो परचेज़ करें, और अगर आपने नॉन पैडेड लेनी है तो आप नॉन पैडेड यूज़ करें। दोनों ही बहुत बेस्ट ऑप्शन है फॉर योर लेडीज़ जो घर में योगा करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं और वर्कआउट करती हैं, ट्रेडमिल पर वॉक करती हैं। आप बिल्कुल भी जो है नॉर्मल ब्रा में ये सब कुछ अटैम्प्ट करने की कोशिश मत करें, बिकॉज दिस डज डिस्टर्ब अ लॉट ऑफ थिंग। स्पोर्ट्स ब्रा आर द वन डैट गिव यू एक्स्ट्रा सपोर्ट, दे विल नॉट लेट एनीथिंग मूव, देयर डैट आर नाइस एंड सपोर्टिव, सो यू शुड डेफिनेटली ऑलवेज हैव अ स्पोर्ट्स ब्रा ऑन यू। अगर आप में से कोई भी जिम जाता है, योगा करता है, कुछ भी करता है, ऑलवेज नो डैट शुड हैव अ स्पोर्ट्स ब्रा। एंड जस्ट बाय द वे, आई यू ओन अ वेरी वेरी हैवी साइट, और अगर आप थोड़े से भी हैवी वेट के हैं और आपको लगता है कि आपके साइज़ की ब्रा जो है ईजिली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, नहीं होती है, अगर होती भी है तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू फिट इन, तो दिस इज़ समथिंग आई हैव सीन टू उसे, ऐसे लोगों के लिए यू हैव अ गो एंड वेयर स्पोर्टिव ब्रा एंड डेली बेसिस ऑन यूजेज, जो आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो स्पोर्ट्स ब्रा में भी आते हैं, आप डेली बेसिस पे भी इनको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजिली है, बहुत कम्फर्टेबल है। बहुत सारे हैवी पर्सन, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर हो रही है, गो फॉर अ कप फॉर डैट बिगर देन योर ओरिजिनल साइज़, उसमें आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है। एंड नाउ कम्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीच आर नर्सिंग ब्रा। जिस तरह से पाकिस्तान में मेंटेलिटी क्लोथ की बहुत कम ट्रेंड है, बहुत सारी लेडीज़ इसे स्ट्रगल करती हैं बिकॉज वेयर एंड गो फॉर द मेंटेलिटी क्लोथ, बट इट्स अ वेली नो इफ़ यू सम अ वेरी वेरी हैवी, ओके। मैं यहाँ किसी को शेम नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज आउट, सो डैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें कवरेज फुल होती है, बिकॉज यू हैव अ नाइस नेक टू इट, ऊपर तक उसकी नेक होती है, द बैक इज़ फुली कवर्ड, अगर आपके बैक बेंचेस हैं तो वो भी नज़र नहीं आते हैं। एंड जस्ट अ वेरी नाइस एंड सिक्योर इज़ अ वेरी वेरी वेल सपोर्टिव स्पोर्ट्स ब्रा, सो टेक दैट द टिप, सो डैट एंड अदर पीपल्स हु लाइक अ वेरी वेरी हैवी, नो दिस वन इज़ ऑल फॉर द फैशनेट आउट देयर, जिनको अलग अलग कट्स और चीज़ें पहनने का शौक़ होता है, जिनके कपड़ों के कट्स होते हैं और स्टाइल्स कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत स्टाइलिश किस्म के होती हैं, अलग अलग कट्स चीज़ें पहनते हैं, पहनने का शौक होता है, दी एवेंचुअली शो आर शोल्डर्स, नाउ दिस एक्चुअली कॉल फॉर आर स्ट्रेपलेस ब्रा। इसमें ये होता है कि देयर आर नो स्ट्रैप्स ब्रा एंड शो, बट देयर आर नो स्ट्रैप्स, और अगर आपको ऑफ शोल्डर्स पहनना है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोग कपड़े पहनते हैं, तो इसके लिए वेरी वेरी गुड फॉर स्ट्रैपलेस ब्रा वो होती है जिसकी स्ट्रैप्स नहीं होती हैं, बहुत स्ट्रैपलेस ब्रा होती हैं। इफ़ यू आर अ प्रीटेड पीपल, आपको आराम से आपका साइज़ मिल जाएगा। इफ़ यू आर अ सम मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको पता होना चाहिए कि आपका साइज़, आपकी फिटिंग, आपकी जो तमाम किस्म की कप साइज़ हैं आपको मेंशन हो और आपको पता हो, बहुत सी इंपॉर्टेंट थिंग है। उसी तरह से पीपल्स डू नॉट रियली मच अबाउट मेंटेलिटी इनर वेयर्स, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं न्यू बॉर्न और आप अपनी लाइफ की जो नई जर्नी स्टार्ट करने लगी होती हैं, मेक श्योर डैट यू हैव अ नाइस नर्सिंग ब्रा ऑन हैंड। बहुत अलग अलग किस्म की नर्सिंग ब्रा होती हैं, एंड यू कैन ईजिली नर्स यूर चाइल्ड अलॉन्ग विद गिविंग यूर सेल्फ अ करेक्ट काइंड ऑफ सपोर्टिव सपोर्ट्स, जो कि आपकी न्यू बॉडी की नीड भी होती है। अब हमने ये सारी टाइप्स तो डिस्कस कर ली हैं, अब ये हमने लेनी कहाँ से हैं, दे विल बी फाइंड दिस, सो इसके लिए पूरी लिस्ट बनाई है, बिकॉज दिस वाई द वीडियो इज़ लेट बाय द वे, क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर लिस्ट बना रही थी कि कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू जस्ट अननो शॉर्ट लिस्टेड प्लेसेज इन पाकिस्तान,
वो सारे प्लेसेस जहाँ से डिलीवर भी करने पड़े तो आप डिलीवर भी कर सकते हैं ईज़िली, क्योंकि हम अंडर गारमेंट्स की बात कर रहे हैं एंड तो ऑब्वियसली सबसे बड़े ब्रांड का नेम तो पीछे नहीं छोड़ सकते हैं ना, बिकॉज दे आर अ वेरी प्राइसली हमारे पाकिस्तान की ब्रांड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड है विक्टोरिया सीरीज, जो आउट ऑफ कंट्री में भी बहुत ही फेमस है। अगर आपके पास बजट है एंड यू वांट टू गो अहेड एंड इन्वेस्ट योर अंडर गारमेंट्स, सो गो अहेड एंड डू इट, इससे अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। नाउ यू नो आप सोच रहे होंगे के सारे एक्सपेंसिव ऑप्शन बता रही हूँ। आई अंडरस्टैंड कि हर किसी का एक जैसा बजट नहीं होता है, जस्ट बिकॉज फ्लोरिश गैलेक्सी ऑप्शंस हैं जो इजीली परचेज कर सकते हैं, दे क्वाइट अदर ब्रांड्स इज़ वेयर वो जो बहुत इजीली अंडर गारमेंट डिलीवर करते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा बजट में आके बात करते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को ये लगे कि बजट में जो चीज़ हम परचेज कर सकते हैं वो भी हम ईज़िली से परचेज कर सकें। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर वेरी वेरी वेल नो ब्रांडेड, जस्ट प्राइमार्क। प्राइमार्क जो हैज़ अ वन ऑफ मोस्ट अमेजिंग अंडर गारमेंट्स, दे आर नॉट वेरी प्राइसली। ऐसा नहीं है कि आप लिटरली कंगाल हो जाएंगे जो है अंडर गारमेंट्स लेने के चक्कर में, दे वेरी कम्फर्टेबल, लाइक ओ माई गॉड सो कम्फर्टेबल कि बंदा बोले वाओ बहुत अच्छा है। दे आर वाइड वराइटी ऑफ पैडेड ट्रेनिंग ब्रा, टी शर्ट और भी बहुत सारी वराइटीज़ हैं जिसमें पैडेड ब्रा हो जाती हैं, ट्रेनिंग ब्रा हो जाती हैं, टी शर्ट ब्रा हो जाती हैं। आई पर्सनली लव दिस टी शर्ट ब्रा, वो यू वॉन्ट टू गिव देन अप ट्राई एंड डेफिनेटली कैन। एंड नाउ मूविंग ऑन टू एंड अदर्स ब्रांड्स, एक IFG होता है एंड एक ट्राइमफ होता है जो पाकिस्तान में जो है वर फर्स्ट वंस कम आउट विद द क्वालिटी लिंजीरियस, बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत यूज़ होते हैं। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं घर में, मोमन जो है IFG का नाम सुना होगा, मैं तो बहुत सुनती आ रही हूँ और परचेज भी हमारे स्टोर पे भी बहुत सारी जो है लेडीज़ अंडर गारमेंट्स की, फ्लोरिश की और IFG की बहुत जी हैं वो परचेज करती हैं चीज़ें। तो ये भी बहुत जो है बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान का कि आप पाकिस्तानी ब्रांड भी यूज़ करें। मोस्ट ऑफ़ द ब्रा मुझे देखने को मिली हैं IFG की वेयर, सो आई डू नॉट हाउ कैन एक्सप्लेन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। उनके कप की जो बीच में एक लाइन होती है ना, अगर आप टी शर्ट या लॉन की कुर्तियाँ पहनते हैं वेयर करते हैं, दे विल एक्चुअली मेक यू लुक सो डिस्गस्टिंग, मतलब आप अजीब से अनकम्फर्टेबल जो है ना फील कर रहे होते हैं। सो आई विल नेवर रिकमेंड दिस कि आप इस तरह की जो लाइन वाली ब्राज होती हैं जिनके यहाँ पे लाइन होती है वो आप बिल्कुल परचेज ना करें। आई हैव मेंटल आई वेयर कॉल्स आंटीज ब्राज, तो मैं इसको जो है ना आंटी ब्राज भी कहती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर यू आंटीज बिकॉज यू जस्ट डू प्लीज़ डोंट टेक अ मेक काउंटेबल अट्टेबल, ठीक है। आई इस सारे वाक्यों को बयान करने का मकसद है कि आप पर्सनल प्रॉपर वे में इसको यूज़ करें और वो जो लेडीज़ जो जिम जाती हैं और जो उनकी लेडी इंस्ट्रक्टर होती हैं वो भी उनको स्पोर्ट्स ब्रा ही रेकमेंड करती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी मूविंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्पोर्ट्स ब्रा से उसको सपोर्ट करें ताकि आपकी बॉडी मूविंग जो है बहुत जो है टाइटली फील हो। स्पोर्ट्स ब्रा इस टाइप की भी होती हैं, दिस वन ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसकी बैक साइड इसकी कोई स्ट्रैप्स नहीं होती हैं, दिस वन इस तरह की भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, दिस वन इस तरह की भी होती हैं, पैडेड भी होती हैं। इसकी बैक साइड मैं आपको दिखाऊं, बैक साइड भी इस तरह की होती है, कुछ इस तरह की भी होती हैं, इनकी जो बैक साइड होती है वो इस तरह की टाइप की होती है, कुछ इस तरह की शेप आती है पीछे से। ये आपकी जो बैक बंचेस बनते हैं उसमें भी आपको सपोर्ट करता है, आपकी बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी बैक बंचेस, आप बहुत इजीली इनको वेयर कर सकते हैं, बहुत इजीली से इनको परचेज कर सकते हैं। हम आपके लिए हर जो है ना वीडियो बनाते हैं ताकि आपको पता हो हर ब्रांड का, हर क्वालिटी का, हर ब्रा के स्टाइल का। बहुत सारे स्टेप नर्सिंग ब्रा होती हैं, स्पोर्ट्स ब्रा होती हैं, पैडेड ब्रा होती हैं, टी शर्ट ब्रा होती हैं, टॉपिंग ब्रा होती हैं, वायर पैडेड के साथ होती हैं। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, हर टॉपिक से आपसे रिलेटेड डिस्कस करती हूँ ताकि आपको हर चीज़ का पता हो, आपने किस किस्म की जो है स्पोर्ट्स ब्रा में आपके जहन में एक माइंड में एक पिक्चर बनी हो कि स्पोर्ट्स ब्रा इस किस्म की है और मैं इस किस्म की लेने जा रही हूँ, ताकि मार्केट में आप जाएँ तो आपको पता हो कि ये अगर आपको कुछ इससे हट के भी रिलेटेड कोई कुछ चीज़ दिखाए तो आपको पता हो कि नो दिस इज़ नॉट योर स्पोर्ट्स ब्रा, ये मेरे टाइप की मतलब इस तरह की स्पोर्ट्स ब्रा नहीं होती हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ, इसी किस्म की स्पोर्ट्स ब्रा होती हैं, कोई स्पेशल नहीं होती हैं। तो आपको पता होने चाहिए जो है हर चीज़ का, हर ब्रांड का, हर क्वालिटी का जो है बास जो है स्पोर्ट्स ब्रा उनके ऊपर लिखा होता है स्पोर्ट्स ब्रा, इस तरह स्पोर्ट्स ब्रा तक मेंशन होता है ताकि आपको इजीली पता हो सके कि स्पोर्ट्स ब्रा किस टाइप की होती हैं।
तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक था ही स्पोर्ट्स ब्रा से रिलेटेड, तो हमने बहुत सारा डिस्कस किया। मैंने आपको बताया आप कहाँ से परचेज़ आप इजीली जो है अंडरगारमेंट स्टोर से कर सकती हैं। आप उनको बताएं कि स्पोर्ट्स ब्रा मतलब मैं ख़रीदना चाह रही हूँ, तो वो आपको स्पोर्ट्स ब्रा ही दिखाएंगे। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी मेंशन करना चाहते हैं, कुछ भी इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी सवाल उठता है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि हम आपकी उस मसाइल का हल निकाल सकें, आपकी उस मसले का हल निकाल सकें, ताकि आपको पता हो कि वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको मतलब अनसपोर्टिव लगे तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ चीज़ों का पूछना है, बताना है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मेंशन करें, ताकि हाँ इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताया जाएगा, आपको उसी से रिलेटेड वीडियो भी बनाई जाएंगी, ताकि आपकी तमाम जो है मसले हल हो सकें। तो उम्मीद करती हूँ आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होता है फिनिश, तो मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कि हमारे अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर टिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ एक दूसरी वीडियोज़ में आपके साथ शामिल होने के लिए। मुझे आपसे इजाज़त चाहती हूँ, ताकि न्यू हर आने वाली न्यू वीडियो में आपको हर सपोर्टिव ब्रा के बारे में पता हो। इसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सर्च करें और इस रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें और भी पता चलेंगी। अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश करेंगे और हाज़िर होंगे, और इंशाल्लाह और बहुत सारी वीडियोस में आपको बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। आपको पता चलेगा स्पोर्ट्स ब्रा किस तरह की होती हैं, पैडेड ब्रा कौन सी होती हैं, नेट ब्रा कौन सी होती हैं, किस किस्म की हमें यूज़ करनी चाहिए और किस किस्म के पैड यूज़ करने चाहिए, गर्मियों में किस किस्म का स्टफ़ यूज़ करना चाहिए, सर्दियों में किस किस्म का स्टफ़ यूज़ करना चाहिए, समर विंटर की बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की ब्राज होती हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ओके, गुड बाय, खुदा हाफिज़।